और नमिता मेहरा जी हैं जो हिमाचल से हैं, और दूसरा झारखंड से हैं, डिस्ट्रिक्ट धनबाद से हैं ये। तो इन लोगों को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हमारे सोनिया गांधी जी ने भेजा है। चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, धरना देना पड़े, बसें रोकनी पड़े, ट्रेनें रोकनी पड़े, हम वो सब करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ और नेटवर्क को, मैं हूं आपके साथ हेमंत। हम लोग मैम के निवास स्थान पर हैं, रश्मि चौधरी जी के, और यहां पर दिल्ली से टीम आई है इंस्पेक्शन के लिए रुड़की विधानसभा को लेकर, कि किस तरह की तैयारियां यहां पर हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो चेहरे हैं बड़े चुनाव में होंगे 2022 में, जिनको आंका जा रहा है 2022 के लिए। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत, और इंट्रोड्यूस आप कराइए कौन कौन सी टीम दिल्ली से आई है। थैंक यू सो मच, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और नमिता मेहरा जी हैं जो हिमाचल से हैं, और दूसरा झारखंड से हैं, डिस्ट्रिक्ट धनबाद से हैं ये। तो इन लोगों को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हमारे सोनिया गांधी जी ने भेजा है कि वहाँ पे जाके आप लोगों से बातचीत करें, और जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि महिला विंग है तो महिला विंग के पास आई हैं, तो महिला विंग के लिए ये बात करेंगी और महिला विंग की बात रखेंगी वहाँ पर। हाँ, महिला विंग की बात रखेंगी, तो महिलाओं के बारे में पता करने के लिए आई है कि कौन सी महिला कितना काम करती है और किस तरीके से, और वो वास्तव में चुनाव में उतरने के योग्य है या नहीं है। तो ये सब बात करने के लिए लोग आए हैं, तो मैंने अपनी पूरी महिला टीम को बुलाया था, और कुछ लोग मेरे चले गए हैं क्योंकि ये 11:30 से आयोजन चल रहा है, तो कुछ लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और कुछ लोगों से आप बात भी करिएगा कि रुड़की का क्या है, और रुड़की में हमने क्या किया है, और हम इतने लंबे अरसे से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब कि पार्टी हमको कहाँ पे आंकती है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये लोग आए हैं, और उसी संदर्भ में मैंने बात करी है इन लोगों से, और इन लोगों ने भी मुझसे बात करी है। मैम, किस तरह का रिसर्च आप वहाँ से लेके आए यहाँ के बारे में, और क्या मिल रहा है यहाँ से आप लोगों का आउटपुट? देखो सर, हम हिमाचल से आए हैं, मैं नमिता मेहरा, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा धर्मशाला से आई हूँ, क्योंकि हमें भेजा गया है दिल्ली, हमारी मीटिंग थी, फिर मीटिंग के बाद हम यहाँ पर आए और रश्मि मैडम जी से मिले यहाँ पर। इनसे मिलके हमें और बहनों से मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ पर जो बुलंद चेहरे हैं, जहाँ पर उनको सामने लाना है और लाना ही है, और आगे जो भी होगा हमसे, हम इनके लिए आगे के लिए जो आगे तक बात पहुंचाएंगे और इनको आगे लाएंगे लाएंगे, क्योंकि अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ेंगे लड़ेंगे, और इनको आना चाहिए, क्योंकि हमने इनका यहाँ पर आके सब कुछ देख लिया। जिस तरीके से इन्होंने हमारा स्वागत किया, बहुत स्वागत किया, हम इनके तो धन्यवाद ही करते हैं इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत। रश्मि मैम, तो पिछले 15 सालों से, लगभग 15 से 20 साल से आप मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब तक रिकोगनाइज ना होना रुड़की विधानसभा से महिलाओं का, तो आप लोग किस तरीके से उसको आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं? इन लोगों के साथ जो भी महिलाएं हमारे साथ जाएंगी, हम गांव-गांव में पूछते हैं, जो भी है इनके लिए, इनको आगे लाने के लिए हम जो भी प्रयास करेंगे अच्छा ही करेंगे। जो कहीं ना कहीं बाद में पुरुष बाजी मार जाते हैं। नहीं, हम महिलाओं को आगे लाएंगे, क्योंकि हम एक महिला है ना, हम महिला को ही आगे लाएंगे। ठीक है। हाँ जी मैम, मैम झारखंड से हैं। ठीक है, झारखंड की जो परिस्थिति है वो महिलाएं थोड़ी कम है जो रिप्रेजेंटेशन है, और किस तरीके से आप यहाँ पे देख रही हैं रुड़की में? नहीं, यहाँ मैं आई हूँ और यहाँ देख रही हूँ कि महिला इतना चढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं। हमारा रश्मि विधानसभा से को क्या कौन सा विधानसभा है, कोटी विधानसभा से हमारी मैडम है, तो हमने आते आते भी इधर उधर से पता किए, तो इनके बारे में अच्छा हम लोगों को मिला रिस्पॉन्ड, और उसके बाद में हम लोग आगे का जो है, जो हमारी महिला जुझारू हैं, एक्टिव हैं, वर्षों वर्षों से काम कर रही हैं, उन्हें सही जगह मिलनी चाहिए। कितने श्योर हैं आप कि इस बार रुड़की विधानसभा से शायद महिला को टिकट हो जाए? तो अब मैं पिछली बात नहीं करूँगा, लेकिन अभी का बात कर रहे हैं, जो हमारे आने वाला कार्यक्रम है चुनाव के बारे में, उस विषय से ही हम लोगों को भेजा गया है, और इसमें हम लोग जोड़ तोड़ के लगेंगे कि जो उचित जो संघर्ष महिलाएं कर रही हैं उन्हें सही मिले इंसाफ, बस इसके लिए हम लोग
पहुँचे हैं। 35% जब महिलाओं का है तो फिर कोटा महिलाओं को फिर टिकट देना चाहिए, जो काम करने वाली हैं उनको आगे लाना चाहिए, सब लोगों को जो महिलाएं काम करती हैं। लाएगा कौन ये बताइए? नहीं तो हम लेके आएंगे और भी लोग लेके आएंगे, जो बड़े बड़े नेता हैं वो आगे कहें। जब 35% महिलाओं का कोटा है तो फिर महिलाओं को देना चाहिए ज़रूर टिकट, यहाँ महिलाओं को टिकट नहीं मिल। ऐसे तो भैया आप एक बात बताइए कि पुतला फूकने को तो रश्मि चौधरी हैं, और जब टिकट बटती है तो पुरुष लोग ले जाते हैं, ये क्या कारण है? कारण ये है, पार्टी बता पाएगी आपकी? नहीं पार्टी क्या, पार्टी तो हमारी बताती है लेकिन हमारी महिलाएं इतना संघर्ष करके रह जाती हैं। लेकिन अब ऐसा होगा, आपने बिहार में देखा है कि ममता ने क्या हाल कर रखे हैं उन लोगों के, यही हाल है बिहार में। ममता है ना वहाँ पर, सॉरी बंगाल में, तो जी आप ये देखिए कि ऐसा ही हाल यहाँ होना है अगर रश्मि चौधरी को अब की बार टिकट नहीं मिला। तो आप लोग पूरी तरह तैयार हैं? हम पूरी तरह डंडे संडे हाथ जोड़ करके विनती करके भी हम ताम भेद सब करके और रश्मि चौधरी को आगे लाना चाहते हैं। चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, धरना देना पड़े, बसें रोकनी पड़े, ट्रेनें रोकनी पड़े, हम वो सब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैम ने साफ तौर पर कहा कि भाई इस बार रूड़की विधानसभा से टिकट चाहिए, महिलाओं को चाहिए, और रश्मि चौधरी के यहाँ, रश्मि चौधरी जी जो हैं उनके लिए समर्थन यहाँ पर महिलाएं जुटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये तो देखना होगा 2022 में पार्टी हाईकमान कांग्रेस की क्या तय करती है रूड़की विधानसभा को लेकर। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे पेज को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए द न्यूज़ और नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।